नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। आप सबके सीटेड एग्जाम के लिए जूनियर लेवल की साइंस की क्लास लेकर आई हूँ। अगर आप जूनियर लेवल के साइंस का सिलेबस को डिवाइड करें तो सामान्यतः इन टॉपिक में डिवाइड कर सकते हैं। इसके अंदर हम डिफरेंट टाइप के सब टॉपिक डिस्कस कर लें और NCERT से जुड़े सारे फैक्ट को डिस्कस कर लें, बहुत अच्छे नंबर स्कोर किए जा सकते हैं। लेकिन क्या आप अलग अलग टॉपिक से करेंगे उसके बाद अलग से NCERT पढ़ेंगे? नहीं, आपकी सारी प्रॉब्लम का सलूशन लेकर आई हूँ। ये जो PDF बनाई गई इसमें जितने भी मॉडरेट लेवल के पॉइंट हो सकते हैं वो सारे पॉइंट तो ऐड किए गए हैं, उसके साथ साथ NCERT की सारी इमेज का संकलन किया गया है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये क्लास आपकी सीटेड एग्जाम जूनियर लेवल साइंस के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, इसके साथ साथ अगर आप UPTET की या फिर आप KVS की या फिर आप DSSP की या जिस भी एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आपकी क्लास में NCERT साइंस से क्वेश्चन आते हैं तो क्लास आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। ये सारी चीज़ें हम इससे पहले की क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं, अगर आपने अभी तक उनको नहीं देखा तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज के क्लास में हम अधातुओं के बारे में डिस्कस करेंगे कि अधातुओं से जुड़े गुण क्या होते हैं, सामान्य अधातुओं के नाम कुछ जानेंगे, उनसे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उन सबको डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, हर एक पॉइंट के नोट्स बनाइएगा। अधातु, अधातु क्या होती है? वे तत्व होते हैं जो सामान्यतः क्या करते हैं, हाइड्रोजन को ग्रहण करते हैं, जबकि आपकी धातुएं क्या थी, हाइड्रोजन का त्याग कर रही थी, धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते थे, जबकि अधातुएं ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। और सामान्य रूप से अधातुएं ऊष्मा तथा विद्युत की सुचालक नहीं होती, ये ऊष्मा तथा विद्युत की कुचालक होती है। लेकिन कुछ धातुएं, कुछ अधातुएं सामान्य ताप पर तो नहीं लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में ऊष्मा तथा विद्युत की सुचालक भी बन जाती हैं, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। अधातुओं के गुण के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। धातुओं में क्या होती है, धात्विक चमक पाई जाती है, लेकिन अधातु में धात्विक चमक नहीं पाई जाती। लेकिन दो आपकी अधातु ऐसी होती हैं, आयोडीन और ग्रेफाइट। आयोडीन और ग्रेफाइट में क्या होता है, धात्विक चमक पाई जाती है। तो ये दोनों को याद रखिएगा। जो अलग से विवाद होते हैं या जो अलग से कुछ फैक्ट होते हैं उनसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो आयोडीन और ग्रेफाइट में क्या होता है, धात्विक चमक होती है, इसके अलावा किसी भी अधातु में चमक नहीं होती। आयोडीन की प्राप्ति कैसे होती, आयोडीन की प्राप्ति होती है आपके लिमनेरिया शैवाल से। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, घींघा नामक रोग हो जाता है, इंपॉर्टेंट है ध्यान रखिएगा। आयोडीन के स्रोत कौन कौन से होते हैं, कमेंट सेक्शन में आंसर लिखिएगा क्योंकि भोजन वाले टॉपिक में हमने डिस्कस किया था। अधातुओं का घनत्व क्या होता है, कम होता है। अधातुएं हाइड्रोजन से क्रिया करके हाइड्राइड बनाती हैं। अधातु में क्या होता है, भंगुरता का गुण पाया जाता है। ये सारे अधातुओं के गुणों के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। ओके, अब उपधातु के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आर्सेनिक और एंटीमनी दो आपकी उपधातुएं होती हैं। उपधातुओं में क्या होता है, धातु और अधातु दोनों के क्या होता है, सम्मिलित रूप से गुण पाए जाते हैं। कल की क्लास में मिश्रण के बारे में डिस्कस करेंगे। आज छोटी क्लास है, एक्चुअली आज मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, आपकी ऑफलाइन में आज ज़्यादा क्लास है, लेकिन मैंने सोचा आपको एक छोटी सी क्लास दी जाए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।